ये गाइज व्हाट्सअप, तो आज वीडियो में बात करने वाले हैं 2023 की रॉयल इनफील्ड हंटर 350 के बारे में। और हंटर 350 का सबसे बेस मॉडल मैं आपको दिखा रहा हूँ जो कि रेट्रो सीरीज के अंदर आता है। फैक्ट्री सिल्वर कलर आप देख रहे हैं। इस बाइक के बारे में डिटेल में बात करेंगे, क्या कुछ आपको फीचर्स मिलते हैं, क्या प्राइस है, क्यों आपको लेनी चाहिए, क्यों नहीं लेनी चाहिए, किस्तों में कितने की आपको पड़ेगी, क्या कुछ किस्तें पड़ेंगी, सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। पहले तो बाइक देख लो भाई। ओवरऑल इसमें पुराने टाइप के आपको स्विचेज वगैरह मिलते हैं जो आपकी बुलेट सीरीज में आते हैं, और ऐसा कुछ इसके अंदर आपको सेमी डिजिटल मीटर कंसोल मिलता है। इसके अंदर आपको फ्यूल मीटर, ट्रिप मीटर, टाइम वगैरह सारी जरूरत की चीज़ें देखने को मिलती हैं। और बाइक काफ़ी शानदार है नो डाउट, हंटर 350। और ये मॉडल जो आप देख रहे हो रेट्रो सीरीज़ का, यानी कि फैक्ट्री सिल्वर और फैक्ट्री ब्लैक दो कलर आते हैं इसके अंदर, ये काफ़ी अंडररेटेड मॉडल है भाई। काफ़ी कम लोगों ने इसको पसंद किया है, इतनी ज़्यादा ये मॉडल सेल लेके नहीं आया है। काइंड ऑफ चीपर वर्जन है ये हंटर 350 का, सबसे सस्ती बाइक हंटर 350 में यही है। 1,80,000 रुपये के आसपास इसका जो है ऑन रोड प्राइस है, लेकिन इसमें आपको बिल्कुल लेटेस्ट जे सीरीज इंजन मिलता है रॉयल इनफील्ड का, जो कि आपको क्लासिक 350 के अंदर भी मिलता है, वही आपको इस बाइक के अंदर देखने को मिलता है। और बाइक का इंजन काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी रिफाइंड इंजन है ये, बिल्कुल भी इसके अंदर वाइब्रेशन नहीं है। और प्राइस मैंने बेस मॉडल का आपको बता दिया, 350cc का इंजन और ये मीटर कंसोल जो कि काफ़ी कूल लगता है, लेकिन जो टॉप मॉडल्स आते हैं इसके उनसे थोड़ा अलग है ये। और 20.2 bhp की आपको पावर निकाल के देती है बाइक 27 न्यूटन मीटर के टॉर्क के साथ। माइलेज काफ़ी शानदार है इस बाइक का, 35 का माइलेज आराम से आपको मिल जाएगा क्योंकि 350cc का इसके अंदर इंजन है। फ्रंट में सिर्फ इसमें डिस्क ब्रेक आती है 300mm की, सिंगल चैनल ABS इस बाइक के अंदर आपको देखने को मिलता है। बाकी 120 तक की आपको टॉप स्पीड मिलती है मैक्सिमम, हंटर 350 यहाँ पे लिखा गया है। और स्पोक व्हील्स आते हैं इस बाइक के अंदर क्योंकि चीपर वर्जन है जैसे मैंने आपको बताया। टेल लाइट भी थोड़ी चेंज है इसकी, सीट भी थोड़ी चेंज है, रियर का ग्रैब हैंडल जो है ये भी थोड़ा चेंज है, इंडिकेटर्स भी थोड़े डिफरेंट तरह के आपको देखने को मिलते हैं। ओवरऑल बाइक जो हंटर 350 आती है रेगुलर उससे थोड़ी अलग है ये, और इसी वजह से शायद लोग इसको पसंद नहीं करते। रेट्रो टच देने के लिए इसके टैंक के ऊपर आपको गोल्ड कलर की जो है लाइंस देखने को मिलती हैं, ये थोड़ी अच्छी लगती हैं भाई, थोड़ा रेट्रो टच देती हैं। 5 गियर आते हैं इसके अंदर, 1 डाउन 4 अप वाला सिस्टम है। और फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी रॉयल इनफील्ड इसके अंदर यूज़ करता है। 153mm का ड्रम ब्रेक मिलता है पीछे, 13 लीटर का आपको टैंक मिलता है और 2.6 लीटर की आपको रिजर्व कैपेसिटी मिलती है। शॉकर्स को फ्रंट वालों को काफ़ी अच्छे से कवर किया गया, काफ़ी कूल लगते हैं। 2.6 लीटर की रिजर्व कैपेसिटी है बाइक की, BS6 कंप्लाइंट ये बाइक है। फ्रंट सस्पेंशन जो है इसके अंदर टेलीस्कोपिक मिलते हैं आपको 41mm फ्रॉक्स 130mm ट्रैवल के साथ। और रियर में जो है आपको ट्विन ट्यूब एमिलेशन शॉक एब्जॉर्बर 6-स्टेप एडजस्टेबल प्रीलोडेड के साथ देखने को मिलते हैं। ऑल ब्लैक थीम जो है इंजन के अंदर यूज की गई है, एग्जॉस्ट और इंजन ब्लैक कलर के आपको देखने को मिलता है मैट ब्लैक में। और 177kg बाइक का वेट है, 800mm की जो है सीट हाइट है बाइक की। 150mm की ग्राउंड क्लियरेंस आपको इस बाइक के अंदर देखने को मिलती है। 2055mm की लंबाई है, 800mm की चौड़ाई है, 1055mm की इसकी जो है हाइट है। 1317mm का व्हील बेस है, डबल ड्यूल डाउन फ्रेम या डबल रोड चेसिस आपको जो है इसके अंदर मिलती है, जिसकी वजह से वाइब्रेशंस काफ़ी कम है बाइक के अंदर। 3 साल 30,000 किलोमीटर की आपको वारंटी मिलती है, जिसको आप एक्सटेंड भी करा सकते हो अप टू 5 ईयर्स। मेरे अकॉर्डिंग भाई आपको डैपर वेरियंट लेना चाहिए, जो इससे एक वेरियंट ऊपर आता है वो ज़्यादा सेंस बनाता है। बाकी काफ़ी रिलायबल प्रोडक्ट है, रॉयल इनफील्ड का प्रोडक्ट है तो, और लेने के तो भाई काफ़ी रीज़न नहीं है इस बाइक को, मैं आपको कहूँगा कि आप डैपर सीरीज लें, ठीक है ना। बाकी किस्तों वगैरह की अगर बात करें तो आराम से इस बाइक को आप जो है लगभग 25,000 रुपये की डाउन पेमेंट देके किस्तों पर ले सकते हो। और 25,000 रुपये की डाउन पेमेंट देके अगर आप किस्तों पर लेते हो तो 14,200 रुपये के आसपास आपकी 1 साल की किस्तें बनेंगी, और 7,700 रुपये की आपकी 2 साल की किस्तें बनेंगी, और 5,500 रुपये की आपकी जो है 3 साल की किस्तें बनेंगी। यही था हमारा ओवरऑल रिव्यू रॉयल इनफील्ड की हंटर 350 का। डिटेल में मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं कि कैसी ये बाइक है, क्यों आपको लेनी चाहिए, क्यों नहीं लेनी चाहिए, प्राइस, फीचर, सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। थैंक यू।